अब तक रउआ देखनी नीला ड्रैगन और हरा ड्रैगन आपस में मिलल बाड़न सन और उ ई सब ई खातिर कैलस सन कि उ जादुई चिराग के हासिल करे चाहत रह सन। जौन सुरंग में जादुई चिराग रखल बा ओकरा अंदर ड्रैगन ना जा सकेला सन। एही खातिर हरा ड्रैगन मिंकू भालू के उहवा जाए खातिर राजी कर लेलस। अब आगे अगला दिन मोंटू बंदर पहले से ही मिंकू भालू के घर के लगे छुप के ओकरा ऊपर नजर रखले रहे। यकीन तो नहीं होत कि जादुई चिराग जैसन कोई चीज होखेला, लेकिन फिर भी ई ग्रीन ड्रैगन ऐसा का बोलता, ई पता लगावे खातिर ई दोनों के पीछा कर रही के पड़ी। थोड़ा देर के बाद हरा ड्रैगन मिंकू भालू के घरे आयल। चल मिंकू भालू, हम तोहरा के उ जगह ले चलता नी जहाँ वो खुफिया सुरंग बा। हाँ चल ग्रीन ड्रैगन। हरा ड्रैगन ओकरा के काली पहाड़ी के तरफ लेके चल देलस। मोंटू बंदर भी छिप के ओकनी के पीछा करत रहे। एक घंटा चलला के बाद वो एगो जगह आके रुक गई लसन। वहाँ दू गो बरगद के पेड़ थोड़ा थोड़ा फांसला पे लागल रहे। मिंकू भालू, ये दोनों पेड़ में से एक एक पत्ता तूर के ले आवा। ओकर बात सुन के मिंकू भालू दोनों पेड़ से एक एक पत्ता तोड़ लेलस और ओकरा लगे पहुँचल। अभी दोनों पत्ता के जमीन पर रख दा और हाथ जोड़ के अपन आँख बंद कर ला। ओकर बात सुन के मिंकू भालू ऐसा ही कैलस। जमीन पे जहाँ पत्ता रखल रहे वहाँ के जमीन फट गई और ओकरा अंदर एगो दरवाजा नियर बन गई। मिंकू भाली अपन आँख खोललस और सामने के नजारा देख के ओकर आँख फाटल के फाटल रह गई। ऐसन करिश्मा तो हम पहले कबहू ना देखनी। मिंकू, तू एकरा अंदर उतर जा। यही सुरंग के अंदर तोहरा रखल मिली वो जादुई चिराग। ओकर बात सुन के मिंकू सीढ़ी से नीचे उतरे लागल, लेकिन जैसे जैसे वो सीढ़ी उतरत जात रहे पीछे के सीढ़ी अपना आप गायब होत जात रहे। तभी मोटू बंदर जॉन के अब तक छुपल रहे तेजी से भागत भागत आई। रुक जा मिंकू भालू, हम आवतानी। मोंटू बंदर सुरंग के अंदर कूद गई और जमीन पर धड़ाम से जा गिरल। यहाँ तो सीढ़ी रहत रहनु। ओकरा के देख मिंकू भालू हैरान रह गई। अरे मोंटू बंदर, तू यहाँ कैसे आईला? तुहर मदद खातिर आई ही मिंकू। ग्रीन ड्रैगन, यहाँ से सीढ़ी तो गायब हो गई, अब ऊपर कैसे आईब? तू लोग फिकर मत करा, जब चिराग तहरा हाथ में होई तो सीढ़ी फिर से वापस आ जाई। अब जा आगे बढ़ा, हम यहाँ रुक के तहार इंतजार करतानी। ई ड्रैगन शुरू से हमरा गड़बड़ लागेला। हाँ चलो मंटू आगे चलल जाओ, देखल जाओ कि सच बोल रहल बा कि हमनी के साथ कौनो खेल खेल रहल बा। मिंकू भालू और मोंटू बंदर दोनों आगे बढ़ गए लसन। सामने के नजारा बहुत ही खूबसूरत रहे। जमीन पर चमकत हीरा और सोना चांदी के सिक्का बिखरल रहे। तभी मोंटू के उहवा एगो खूबसूरत बंदरिया नजर आयल। अरे वाह, कितना सुंदर बंदरिया बिया। मोंटू, उन नजर के धोखा हो सकेला, उन्हें ध्यान मत दा। ओकर बात के नजरअंदाज करके मोंटू बंदर उ बंदरिया के तरफ भागल और जैसे ही ओकरा पे लपकल उ हवा में गायब हो गई। मोंटू जमीन पे गिर पड़ल। हम कहले रहिनु कि वो धोखा हो सकेला। धत्ते रे की, चल आगे चलल जाओ। और थोड़ा दूर चल लसन तो ओकनी के एगो टीला के ऊपर चमचमात एगो चिराग नजर आई। ए हे, अब हम चिराग के ढूंढ लीनी। मोंटू बंदर तेजी से चिराग के तरफ लपकल। तभी एगो बहुत बड़ हाथी ओकरा सामने आ गई। ई चिराग के उठावे से पहले तोहरा एगो सवाल के जवाब देवे के पड़ी। का नया मुसीबत? उठ के बैठक, हिरनी जैसन चाल, बतावा वो कौन सा जानवर जकर ना पूछ ना बाल। ई कैसन अजीब सवाल बा। मोंटू बंदर कुछ देर सोचलस और फिर कहलस, ई पहली के जवाब बा सांप। ऐसन कह के जैसे ही मोंटू चिराग के हाथ लगौलस ओकरा एगो बहुत ही जोर के झटका लागल और फिर
वो बहुत दूर जा गिरल। ऊंट जैसन बैठा खिरनी जैसन चाल, ऐसन कौन जानवर जेकर पूंछ न बाल, आई पहेली के जवाब बा मेंढक। ऐसन कह के मिंकू भालू चिराग उठा लेलस और ओकरा कुछो नुकसान न भइल। तोहर जवाब सही बा मिंकू भालू, अब तू ई जादुई चिराग के मालिक हुआ। ई कह के हाथी गायब हो गइल। ई चिराग हमके झटका काहे मरलस, हमरो जवाब तो सही रहनु। चला अब चल जाओ। दोनों चिराग के लेके फिर से सुरंग के दरवाजा पे जा पहुंचला सन। ग्रीन ड्रैगन, हमनी के चिराग मिल गईल। मिंकू के हाथ में जादुई चिराग देख के हरा ड्रैगन के आंख चौंधिया गल। लावा मिंकू भालू, जल्दी से चिराग ऊपर पहुंचा दा। हम ये चिराग तोहके ऊपर आके दे दे, पहले हमके यहाँ से निकाला। चिराग ऐला के पास भी सीढ़ी तो हमरा नहीं लौकती। हाँ तू सब हम कर दे, पहले तू जल्दी से ही चिराग हमके पास फेंका। ना पहले तू हमके यहाँ से बाहर निकाला। तू चिराग हमके वापस देवा तारा कि ना? अगर चिराग हमके ना मिलाल तो हम अभी के अभी तहार पूरा जंगल के जला के राख कर दे। हमरा शक होत रहे कि तू कोनो मतलब से ही हमरा जंगल के रक्षा करत रहा। ई सुन के हरा ड्रैगन आग बबूला हो गयल। लगता तारा समझ में नहीं खे आवाज, अब देखा हम का करत आनी। ऐसन कह के हरा ड्रैगन चेहरा पे गुस्सा लेके उहवा से उड़ गयल। पता ना अभी हमनी के जंगल के का हाल करी, अब हम यहाँ से कैसे निकलब। डोंट वरी यार, हमनी के पास जादुई चिराग बा। ऐसन कह के वो चिराग के अपन हाथ में लेके कहलस, जादुई चिराग हमनी के यहाँ से बाहर निकाला। ओकरा ऐसे कहला पे कुछो ना भइल। यकीन नहीं खे होत, जब भी चिराग कुछ करिए नहीं खे सका तो ग्रीन ड्रैगन एकरा पावे खातिर इतना नाटक काहे कइले रहल हा। मिंकू भालू ध्यान से उ चिराग के देखलस तो ओकरा पे ऊपर कुछ लिखल दिखाई देलस, लेकिन चिराग पे मिट्टी लागल रहे, यही खातिर वो ठीक से पढ़ ना पावत रहे। अरे ए पर तो कुछ लिखल बा। चिराग पे का लिखल रहे ओकरा के ठीक से पढ़े खातिर मिंकू भालू चिराग के रगड़े शुरू कैलस, लेकिन कुछ ही देर में चिराग सोना के तरह चमके लागल और एगो हंसी हवा में गूंजे लागल। अरे ई के हंस रहल बा। तभी चिराग से एगो धुआं निकले लागल और देखत देखत वो धुआं एगो जिनी के रूप ले लेलस। का हुक्म बा हमारा का? दोनों वो जिनी के देख के हैरान रह गए लसन। दूसरा तरफ हरा ड्रैगन नीला ड्रैगन के साथे मिल के जंगल के तबाह करे खातिर निकल गए रहे। का मिंकू भालू और मोंटू बंदर सुरंग से निकल पाई हसन? का जिनी ओकनी के मदद करके नीला ड्रैगन और हरा ड्रैगन के मजा चखाई? जादुई चिराग मिले के बाद मिंकू भालू और मोंटू बंदर के जिंदगी कैसन रही? इस सभी सवालन के जवाब हमनी के देहम जा ई कहानी के अगला पार्ट में।